का धन्यवाद हूँ स्पीकर साहब का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं इनका और इनके स्टाफ का धन्यवादी हूँ और कमेटी का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे आने का मौका दिया। आज मैं आप सभी के बीच में अपने आप को पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बच्चे हमारे देश का भविष्य तो है ही है, साथ में समाज के सही दिशा प्रदान करते हैं। मैं आपके आने वाले समय में बहुत सहयोग प्रदेश व देश को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को सभी के बीच से निकलकर बहुत सारे बच्चे इस प्रदेश व देश को नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। चाहे जिस भी क्षेत्र में आप लोग पूरी मेहनत लगन व समर्पण की भावना से आगे बढ़े, यहाँ का सब कार्यक्रम देखकर और आप लोगों को जिस तरह का मार्गदर्शन मिल रहा है, इस सभी से मैं बहुत हृदय से चिंता महसूस कर रहा हूँ। आप सभी को देवता जी का आशीर्वाद प्राप्त है। एक कामना के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जय सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुमारसेन का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व प्रधान कुमारसेन चुनीलाल वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने विद्यालय की उपलब्धियों, परीक्षा परिणामों, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का विवरण दिया। उत्सव में छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें नृत्य, गायन और नाटक प्रमुख रहे। रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि चुनीलाल वर्मा ने छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे आयोजन आवश्यक हैं। डीआरडीओ में हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है। डीआरडीओ का मतलब है कि वो जो वेपन्स जो आर्मी के लिए बनाए जाते हैं, उसमें भी हमारे पूर्व छात्र हैं। ये बड़ा गौरव करने का विषय है। हमारा पिछली बार जो प्लस टू का जो एग्जाम रहा, उसमें लगभग हमारे पास 16 बच्चे थे और 16 बच्चों ने फर्स्ट डिविजन में अपनी जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जो उसमें प्रथम और द्वितीय आए थे, वो इस कुमारसेन में शायद वो पूरे विद्यालय में जितना पूरा ब्लॉक है उसमें प्रथम थे। ऐसे हमारे जो भैया बहन जिन्होंने 10th में पास किया था पिछली बार के एग्ज़ाम में लगभग 37 बच्चे थे। 37 बच्चों में 35 बच्चों में प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की और 2 ने द्वितीय श्रेणी की। हमारे यहाँ पर 27 आचार्य दीदी यानी टीचर और जो टीचर हैं 27 वो काम करते हैं, बड़ी पूर्ण निष्ठा से सहभागिता निभाते हैं। विद्यालय को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे मेरे जो सहयोगी आचार्य दीदी, उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है इन सब चीज़ों के लिए। हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियाँ थी एलिमेंट्री में जो थी, लगभग हमारे LKG से अष्टम तक सभी विद्यार्थी 80% से अबव सभी पास हुए हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने एक विधा पकड़ दी है, बैडमिंटन और बाकी स्पर्धाओं में भी हम काम करते हैं। विद्या भारती अलग से काम, विद्या भारती के जो खेल कूद हैं उसमें हम अलग से काम करते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल की प्रतियोगिता है उसमें भी करते हैं। तो आपको मैं एक बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है कि हमारा एक भैया पिछली बार भी अंडर 17 में
इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व नेशनल में कर रहा था, इस बार उसका सिलेक्शन अंडर 19 में हुआ है, तो आप सबको इस बधाई के पात्र हैं कि वो अंडर 19 में, इसके बाद मध्य प्रदेश में सर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा वो बैडमिंटन में, और अंडर 14 में भी हमारा एक बच्चा स्टेट खेल करके आ रहा है। आप सबको बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।